आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि रबिंग अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ना जाने इसके कितने सारे यूजेज हैं और कितने सारे प्रोडक्ट्स में ये यूज़ होता है, जैसे कि आपके डिओड्रेंट से लेकर के रूम फ्रेशनर से लेकर के हैंड सैनिटाइज़र और पी सेफ जैसे ऐसे जो डिसइनफेक्टेंट्स रहते हैं उन सभी में अल्कोहल ही यूज़ होता है। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इथेनॉल से काफ़ी अलग है, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा पॉइजनस प्रूव हो सकती है। तो भला आप इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ख़रीदेंगे कहाँ से? यूजुअली मेडिकल शॉप्स यानी कि केमिस्ट वाली दुकान पे आप इसे स्पिरिट की तरह ख़रीद सकते हैं, जो कि उसे 30 से 40 रुपए की बोतल में बेचते हैं स्पिरिट की फॉर्म में, जो कि डिसइनफेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, या फिर इसे आप अपने घर के आसपास की केमिकल शॉप से ख़रीद सकते हैं और इसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें एसेंशियल ऑयल डालने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अल्कोहल वैसे सूखने के बाद तो थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट छोड़ जाता है, अगर आप इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं तो वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट रह जाता है, और इवन एसेंशियल ऑयल में खुशबू भी रहती है बहुत अच्छी। आपको सबसे पहले एक स्प्रेयर नोजल वाली बोतल में कुछ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालना है और उसके बाद कुछ एसेंशियल ऑयल्स के ड्रॉप्स डालने के बाद आपका डिसइनफेक्टेंट सॉल्यूशन रेडी है। स्प्रेयर नोजल होने की वजह से अल्कोहल को अच्छा स्प्रेड मिलता है, तो ढक्कन लगाने के बाद ये कहीं भी कैरी करने के लिए अब सेफ है, और एरोसोल बेस्ड डिसइनफेक्टेंट्स के मुकाबले ये 10 गुना तक सस्ता पड़ता है और इवन इसके सेम इफेक्ट्स रहते हैं। इवन आप अपनी चॉइस का एसेंशियल फ्रेग्रेंस ऑयल डाल के अपनी मनपसंद खुशबू का सॉल्यूशन बना सकते हैं। आपके पास अगर अल्कोहल नहीं है तो आप डिओड्रेंट को या किसी फ्रेशनर को भी इन्हीं सभी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी फ़ोन की स्क्रीन ना जाने दिन में कितनी बार स्मज से गंदी हो जाती है, और क्या आप जानते हैं कि एक फ़ोन की स्क्रीन एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया कैरी करती है, इसलिए अल्कोहल काफ़ी इफेक्टिव डिसइनफेक्टेंट प्रूव होता है इसके लिए। मार्केट में आने वाली सभी हैंड सैनिटाइज़र का मेन कंटेंट अल्कोहल ही रहता है जर्म्स को मारने के लिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत ही इफेक्टिव डिओड्राइज़र और एसेंशियल ऑयल माइल्ड सी फ्रेग्रेंस छोड़ जाते हैं, जो कि काफ़ी प्लीजिंग रहती है। आप इसे पुराने बदबूदार शूज़ या बारिश के टाइम गीले हुए शूज़ में स्मेल और बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गीली हुई जैकेट्स या सिंथेटिक क्लॉथ्स जिनको पैक करके रखने से पहले इनके ऊपर अल्कोहल का स्प्रे करने से इनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, और लेदर जैकेट्स को तो एक नई लाइफ मिल जाती है एसेंशियल ऑयल से। परमानेंट मार्कर के निशान, टेप के निशान या कॉमन चीज़ें साफ करने में भी अल्कोहल काफ़ी यूज़फुल प्रूव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।